नमस्कार दोस्तों, आपका आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आम के पत्तों के ऊपर आने वाले कीटक के बारे में जानेंगे, उसका हम कौन सी दवाई इस्तेमाल करके कंट्रोल करें। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि एक छोटा सा कीटक पत्तों को कैसे कट कर देता है और पेड़ को नुकसान कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस देख सकें। आज हम जिन कीटक के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, यह आम के बहुत ही मामूली कीटक है जो आम का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, पत्तों को काट रहे हैं, पत्तों के ऊपर डैमेज कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कितने सारे पत्ते यहाँ उन्होंने नीचे कट करके फेंके हुए। तो ये ऐसे छोटे छोटे कीटक हैं जो पत्ते के ऊपर खा रहे हैं। पत्तों के अंदर का जो कोशिक द्रव है, जिसको हम सेल सैप कहते हैं, वो उसको चूस के पत्तों को कमज़ोर कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कैसे छोटे छोटे कीटक हैं जो पत्तों के अंदर का रस चूस रहे हैं। या आप यहाँ पे छोटी सी लार्वा भी देख रहे हैं कि जो पत्तों के ऊपर खा रही है, जिस जो पत्तों को डैमेज कर रही है। ये वो कीट है जिसके बारे में मैं शुरू में बता रहा था कि ये छोटा सा कीटक पत्तों को कैसे कट कर रहा है। ये मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना सा छोटा सा कीटक ये पत्तों को कट कर सकता है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तब मैंने देखा कि ये कैसे कट कर रहा था। ये पत्ते के सेंटर पे बैठा हुआ है, जहाँ पे बड़ी मिडरिब होती है, तो उसको काटना शुरू कर देता है। और उसके बाद जब वह मिडरिब कमज़ोर हो जाती है, तब बचे हुए पत्ते के भाग को वह कट कर देता है। और ये मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने सोचा कि ये कर क्या रहा है, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की। और इसमें मैंने देखा कि है, देखिए अब ये बाजू वाले जो भाग है उसको कट करना शुरू कर दे रहे हैं। और ऐसे अभी थोड़ी देर में पत्ता नीचे गिर जाएगा। ये देखिए पत्ता अभी नीचे गिर गया है। जैसे ही पत्ता टूट गया, अब ये भाई साहब अब दूसरे पत्तों को तोड़ने के लिए निकल रहे हैं। तो इस तरह से इतना छोटा सा कीटक पत्तों को अगर इतना डैमेज कर दे रहा है तो आम का बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें इसको समय पर ही कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो मैं अब आपको कुछ दवाइयों बताया न जा रहा हूँ। ये देखिए कीटक कैसे आम को जो पत्ते हैं उसको डैमेज कर रहे हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें सिस्टमिक कीटकनाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे यह नष्ट हो जाए। आप क्यूनॉल फॉस नाम के कीटकनाशक प्रति लीटर 2 ml डालकर पेड़ के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर फॉस्फोमिडोन और मिथिल पैराथियोन नामक दवाइयों को भी आप इस्तेमाल करके इनको समय पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपने मेरे वीडियो को आखिरी तक देखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आने वाली जो उपयुक्त वीडियोज़ है वो आप देख सकें। धन्यवाद।